So students, we have Asis Vishnoi with us. He got all India rank 652. five two. बस सच सही बताओ ना पूरा पूरा U P ये entry तक रटके रटके जाते हैं लोग सही बताओ। ज़्यादा दस घंटे वो coffee shop में बैठना reading room में बैठना है। Coaching is only 20 percent. मैं हमेशा आपको कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा eighty percent is your hard work. क्यों Asis? And see what type of dedication, what type of hard work we need. That's why I requested Asis इनको ये दिखाना है कि लाइक हार्डवर्क करना है और किस लेवल का करना है तो दैट इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स वी हैव आशीष बिश्नोई विद ही गोट ऑल इंडिया रैंक सिक्स फाइव टू सेवेंटी नाइन इन फॉरेस्ट सर्विस लास्ट इट बायर

कोचिंग इज़ ओनली ट्वेंटी परसेंट मैं हमेशा आपको कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा एटी परसेंट इज़ हार्ड वर्क क्यों आशीष ठीक है आशीष भी गाइडियो फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी वेनर ठीक है आशीष ओबीओ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मतलब मेन मैं थोड़ा मैपिंग का बता दूंगा आप सभी को और कुछ भी डाउटफुल क्वेश्चन रहे प्रीलिम्स के रिगार्ड या आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेना क्योंकि इस बार मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और हर बार प्रीलिम्स तो मेरा हुआ है और मेन थर्ड इंटरव्यू था इस बार मेरा फॉरेस्ट सेकेंड अटैम्प्ट में हो गया था और इस बार कुछ एक चीज़ें मैं स्पेसिफिक बताऊँगा प्रिलिम्स का रिविजन का और खासकर मैपिंग का कि खुद के नोट्स कैसे बनाए थे क्योंकि हर बार जैसे फॉरेस्ट की कट ऑफ होती थी उसमें कट ऑफ दस पंद्रह नंबर एक्स्ट्रा रहती है और ऐसी चीजें नहीं करोगे ना तो फिर मार्क्स नहीं बढ़ते अगर फॉरेस्ट की कट ऑफ करनी है हर चीज बढ़ाने है ना, तो एक -एक करनी पड़ेगी दो मार्क्स के लिए भी हर साल जैसे कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसके लिए चाहे चार दिन की एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए ना तो वो कर लो जैसे मैपिंग में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि हर साल वो आते जाते हैं और उनके लिए थोड़ा एफर्ट तो मारना पड़ेगा चार दिन पांच दिन अलग से बैठ के तो वो चीजें अपन कवर कर लेंगे इसमें देख लेंगे उसके बाद जो भी क्वेश्चन लगे आप पूछ लेना जैसे ये था तो मैपिंग में कुछ स्पेसिफिक होता है कि एक तो रिवर पक्का लगभग कुछ कुछ पूछते ही हैं एक होता है कि नेशनल पार्क है या क्या करना है तो इतने सारे सोर्स हो गए मैंने लास्ट में फाइनल कर लिया कि अपने खुद के नोट्स बनाएंगे दस एक दस एक मैप का जैसे कि एक तो ये था मैं ये साउथ का एक पार्ट बना लिया था एक ऐसे ही नॉर्थ का बना लिया था एक नॉर्थ ईस्ट का बना लिया था इसमें सारी चीजें कंबाइन कर ली और इसको इस मैप को मैं लगभग सात आठ मिनट में हर बार बनाते थे कम से कम तीस पैंतीस बार बना लेता था मैं और एग्जाम में जैसे ही कोई क्वेश्चन आया तो ए, कोई कावेरी रिवर का रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पहले मैं ऑप्शन नहीं देखता था उसका बैठ के उसको दो मिनट का ये पूरा ये करता था कि पहले कावरी बना ली पूरी उसके बाद उसको करो तो गलतियां नहीं होती क्योंकि मैपिंग क्या होता अपने को लगता है कि ये मतलब हो जाएगा ऐसे करके बट ये मत करो दो मिनट बैठ के रफ वान ड्रो करो जैसे कि ये मैप ये मैप तो मैं आपको क्लियर दे दूंगा दूसरा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बट जैसे सर भी उस टाइम कराते थे एक एक चीज़ बहुत सारी डिटेल दे देते थे ऐसा लगता था कि मतलब इतने क्वेश्चन करके क्या करेंगे मतलब आना तो एक ही क्वेश्चन है बट तुम देखोगे ना एक क्वेश्चन ही पास कराएगा वो लास्ट में एक ही बचता है और पाँच दिनों में अगर कोई दो नंबर दिलवा रहा है तो मैं तो ले लूँगा इतना करके मतलब तैयार करके सो जैसे ये मैप मैं आपको बता देता हूँ व्हाइट कर दो रफ बिल्कुल सब सीट जैसे वो मैप था अब उसको बिल्कुल मैं दोबारा ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा इतना प्रैक्टिस हो रखा है दिमाग में और आपको बताऊ एक नया मैप देखते हैं ना तो उसमें अपने को ये नहीं पता होता इसको स्टार्ट कहाँ से करें कि इतना एकदम आपको दिख रहा होते बहुत सारी डिटेल है बट कुछ कुछ पैटर्न में बताऊंगा कि ऐसे स्टार्ट करो तो पूरा कवर हो जाता है जैसे कि एक साउथ इंडिया का अपन मैप बनाएंगे जैसे करके आप भी ना साथ साथ कोशिश कर लेना अगर करना तो या बाद में टेक्निक का ऐसा हिसाब है नीचे। नीचे था। नीचे था। जैसे ये रप, में स्टार्ट कर लिया पूरा। है? स्टार्ट केरला से ये मतलब मेरी इतना काफी प्रैक्टिस हो रही पेपर में आप दस बारह बार बना लेना इस मैप को मतलब कोच मतलब आप सर भी देते हैं आपको कोचिंग में वो करना तो कर लेना वरना खुद के बना के देखो लास्ट में डिटेल वहां से लो और खुद के बनाओ बैठ के आजकल क्वेश्चन आता है क्या ना वो आपको दे देंगे इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में कितना स्टेट कवर करनी पड़ेगी अगर नहीं बना रखा बाउंड्री वगैरह तो फिर गैस ही करोगे तुम बैठ के कुछ होना ऐसा नहीं है मतलब इतना बेसिक फ्रेमवर्क बन गया अब जितने जो भी कुछ नएगा नेशनल पार्क सारे में कर देंगे रिवर है कुछ भी है सब कुछ ये एक मैप से सारा काम चल रहा है अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला यहाँ के ऊपर बांदीपुर यहाँ मुदुमलई सत्यमंगलम देन यहाँ मुकुर्थी ठीक है यहाँ आ जाएगा अपना साइलेंट वैली यहां एक पास होता है कौन सा पास है बताओ हाँ पालघाट ये पाल घाट में से एक रिवर जाती है भर्त पूजा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे अब स्टार्ट होती है अन्नामलई और अन्नामलई का नेशनल पार्क भी इसी में यहाँ फिट कर दो इसको मतलब तुम देख रहे हो रिवर भी इसमें अपन साथ कर रहे हैं पास भी कर रहे हैं किस में से क्या रिवर जा रही है ये सब मैं प्रैक्टिस किया था जैसे गूगल अर्थ मैप था मैं जब बनाया ना इस मैप को बनाने में शुरू में दस बारह घंटे लगे थे पर इतना इंटरेस्ट था मैं ऑक्सफोर्ड वाला खोल लिया साथ में सर का शुरू में नोट्स था वो खोल लिया और ये गूगल अर्थ आता आपने सुना होगा वो इतना इंटरेस्टिंग है ना उसमें एक रिवर पकड़ लो उसके साथ साथ चलते रहो और उसमें फिट करते रहो क्योंकि और जगह फॉलो करोगे बहुत सारे बहुत गलतियाँ मिलती हैं कहीं भी रफ चढ़ा देते हैं आप पॉइंट कर दिया और एग्जाम में क्या है ना स्पेसिफिक आएगा फिर अगर वो ऐसा नहीं करोगे तो गलतियाँ बहुत होती है सेम ऐसे हो गया अब जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि कावेरी रिवर पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है ऐसे करके ठीक है ये बांदीपुर था यहाँ पर नागरोल पहुँच गई यहाँ ये कावेरी निकलती है ताल कावेरी से ठीक है ऊपर से आएगी इसमें हेमावती और यहाँ एक डैम बनेगा कौन सा डैम है कुछ के आर एस हाँ वो क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं क्योंकि नाम उसमें कृष्णा है पर है वो कावेरी पे ठीक है ये सब डिटेल्स मतलब ऐसे ऐसे बना के रखो ये मैप आपको रफ मिल जाएंगे मैं स्टार्ट कब बता रहा हूँ अब इसको भरेंगे ना तो उतना ही वो डेंस हो जाएगा लास्ट में जाके तो सेम ऐसे स्टार्ट करनी आपको। है आपको ये चीजें यहाँ से बता रहा हूँ कावेरी आगे दिन ऊपर से सिम से आएगी इसमें यहाँ से निकलेगा यहाँ पे एक फोल है किसी ने सुना हो तो शिव समुद्रम करके वो फॉल है यहाँ पे जाओगे तो यहाँ एक डैम पे इशू चल रहा है मेटूर डैम है ना ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं एक ड्रो करोगे ये सब चीजें ऐसे मतलब कवर करने का बेसिक तरीका मैं आपको बताया था और मैप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक तो ये था एक क्वेश्चन रिवर का भी हो गया नेशनल पार्क हो गया स्टेट बाउंड्री हो गया अब क्या करते हैं बहुत सारे मैप आप पुराने देखोगे ना तो वो छत्तीसगढ़ वो क्या करते हैं ना उसकी बाउंड्री इसके साथ मिलाते ही नहीं है मैंने बहुत सारे ऑफिशियल मैप देखे हैं जबकि मैंने खुद अलग अलग ढूंढ के देखोगे ना गूगल अर्थ पे कि किसकी बाउंड्री किससे मिल रही तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होता है तो इसको टच करता है ना और अगर पूछ ले कि इस स्टेट में, इस स्टेट में में जाएगा अगर ये नहीं करोगे तो एक स्टेट का कम पड़ जाएगा ना ये एक ही मैप में सारी चीजें उसमें बाउंड्री भी है रिवर भी है तो एक मैप बनाना आपको फाइनली इतना डेंस वाला एक तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा है कि पहले आता था

97 ठीक है अब इसको ना या तो तीन में डिवाइड कर लो या चार चार की डिग्री में डिवाइड कर लो मतलब इसको आपको दो दिन लगेगा अगर वो क्वेश्चन कवर करना है तो वो सर फाइल ओपन कर दो लास्ट पेज होगा उसमें ये जो सारे मैप है ना इतने मैप मैंने बनाए थे जैसे कि ये वाला था अब इसमें सिंपली दो दो का कर, ड्रॉ करके अब ऐसा फील आ रहा ना कि इंडिया का मैप सा बन गया ये सिर्फ सिटी भर के तो दो दो के मैप में ना मैंने दो दो सिटी भर के याद रट लिए थे ऐसे करके इसका ट्रिक लास्ट में बना लिया था कि कौन कौन सी जो कैपिटल है वो सेम पे है तो इसका है ये ऐसे करके जी एम पी जे जे एस सी डी बीबीटी मतलब इतना तो रट सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन करना तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी जी से क्या आएगा बताओ गांधीनगर है गांधीनगर ये हो गया इसका पनजी। देन जयपुर जम्मू ये ऊपर श्रीनगर आ जाएगा उसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली बेंगलोर भोपाल तिरुवनंतपुरम ये सब तरीके हैं कि दो दो डिग्री वाले दो दिन लगाओ ऐसी चीजों में ऑक्सफोर्ड भी खोल लो सब लेके बैठ जाओ हर साल दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं सेम वर्ल्ड मैपिंग का ऐसा कहाँ से सर बैक करोगे जैसे ये मैंने उसका नॉर्थ का ड्रॉ कर लिया था थोड़ा टाइम तो लगता है एक दिन लगेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता तो है इंटरेस्टिंग करोगे तो ठीक रहेगा सारी चीजें थोड़ा इंटरेस्ट लेके बनाओ जैसे ये नॉर्थ का बना लिया था ये जो ऐसे बना रखे ये है अपने बायस पे रिजर्व एक क्वेश्चन आया कि अगस्त मेले में कौन कौन से उसके अंदर नेशनल पार्क है या करके तो अगर ड्रोक किए होंगे ना जैसे ये था।, तो था जैसे कि ये था ये नीलगिरी का पूछा था तो नीलगिरी में जैसे मैंने बनाया था ना क्या किया था बांदीपुर सत्यमंगलम सत्यमंगलमती वाई नॉट साइलेंट वैली नागर रोड ये सब नीलगिरी का ऑफिशियल पार्ट है अगर इससे बाहर कुछ भी देगा तो अपन उसको रॉन्ग मानेंगे ये सारे बैठ के किए सेम अगस्त में लगा है नीचे लास्ट में अब ये नया बना था कलाकड़ मुदुंतरा इसको ऐड कर देंगे पर उसके अंदर नहीं है ये ये सब चीजें बैठ के कवर करेंगे तो ऑफिशियली हो जाएगा सेम एक दो मैप और दिखा देता हूँ आपको तीन मैप इंडिया के ड्रॉ कर लेना एक साउथ का एक नॉर्थ का एक नॉर्थ ईस्ट का ऐसे बस तीन ही मैप करने हैं कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं से हो जाएगा कहाँ कौन सा एक बार पापीकोंडा पूछा हुआ था कि पापी आपको ड्रॉ करने है तीन तो इंडिया के वैसे हो गए ये रेंजेज के लिए ये वैसे मैंने उसमें तीन मैप ड्रो कर रखे इन सभी को उन तीन में ले आया था लास्ट में ये अलग से रेंज का मैंने बना लिया था एक काम क्या करो विकिपीडिया पे जाओ पहले तो लिखो उनको कि कौन कौन सी रेंज इंडिया के अंदर है उनको याद करो एटलीस्ट याद तो होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट में उसके बाद आओ सेम वर्ल्ड हिस्ट्री का है कि जो सी है छोटे जो तो रेड सी हो गया नॉर्थ सी हो गया पहले तो सारे सी याद करो कारा सी बैरेंट सी लापटे सी ये सारे ऐसे करके इस साइबेरियन चुकेची ये सब ये ऊपर वाली साइड है पहले तो याद करने फिर उनको भरना है बैठ के थोड़ी मेहनत लगेगी पर दस मार्क्स का खेल है तो कर सकते हैं अपनी सब चीजें ये आ गया इनके हाईएस्ट पीक का ये क्या था? ये एनवायरनमेंट का था कि ऐसा हर साल स्पेशली पूछ रहे हैं इसे बढ़िया बैठ के बना लो कि जहाँ भी है ना एक में डाल लिया मैंने सब कुछ पूरा ये तो आपके क्लास का था आपका मेडिटेशन मेरा नहीं है कुल्लर का ए.वी. ये नेशनल पार्क ये सब जितने भी मैं बनाऊं मैं उन तीन मैप में ले आया था लास्ट में और उसमें 10 मिनट लगती है मेरे को बनाने में कम से कम कभी भी खाली बैठे हो ना रख बैठे हो ग्लास में बना लो बैठे हो और क्या कर रहे हो मतलब ठीक है और कुछ स्पेसिफिक होगा तो मैं बताता हूँ आपको एक ना कुछ करो अफ्रीका का मैप अच्छे से कर लेना पता नहीं यूपीएससी का ऑब्सेशन है अफ्रीका से हर साल दो क्वेश्चन तीन हाँ वो देता ही है यार रिवर दे देगा या कोई ये मैप मैंने इसका बना लिया था अफ्रीका का एक बार शायद यहाँ का रिवर भी पूछा ऑरेंज रिवर का या जम्बे का पूछा था पहले पीवाई क्यों देखो अच्छे से क्या मतलब अब ध्यान है अपने को यूरोप से ज्यादा इंपोर्टेंट अफ्रीका है मतलब हर साल का है कि या तो इंडिया का लिंकेज ज्यादा इन्वेस्टमेंट का ये सब चीजों का मैपिंग का तो यही है बेसिक है ना बैठ के दो तीन सोर्स खोल लो सर के भी नोट्स ले लो मल्टीपल सोर्स ले लो और लास्ट में बैठ के एक पेज पे खुद का बनाना शुरू कर लो अब मेरे नोट्स से एकदम देखोगे ना समझ नहीं आएगा ये कि मतलब ये इतना डेंस लग रहा है कि इतना कैसे हो गया ज्यादा हो गया एट द एंड वो तीन मैप मेरे तो याद है सेम आपके हो जाएंगे दस पंद्रह दिन है प्री पास आ रहा है तो इतना तो कर लेना है ये सब और कुछ स्पेसिफिक डाउट है तब आप पूछ सकते हो पॉलिटी में के, के मेंस के लिए <laughs> <laughs> नहीं कोई ना बता देते हैं सर ये चीज़ <laughs> पोलिटिका जैसे मेरे पिछली बार भी 122 थे जीएसटू में इस बार 117 है तो एक तो ना मैं रटने में ज्यादा बिलीव करता हूँ मतलब समझना तो है ही पर यूपीएससी रटने से चलेगा भाई काम वो पूरा है कि लास्ट में चाहे आर्टिकल हो तो याद होने चाहिए तो हर एक लाइन में क्या करो जीएस टू का सबसे बेस्ट चीज है ना उसमें सारे टॉपिक मैंशनड है और दो तीन क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ मेन्स में क्या क्या आएगा एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आएगा प्रेशर ग्रुप एस एच जी इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा जब इतना पता है तो वन पेजर बना लो उनके मतलब बैठ के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आर्टिकल केसेस हर लाइन में क्या करो इंट्रो लिखो बॉडी जैसे लिखोगे ना एक लिखो उसके ब्रैकेट में एक आर्टिकल लिख दो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोई आर्टिकल लिख दो या कोई केस लिख दो नंबर बढ़ाने का यही तरीका है पहले एटम ने में मेरे सेवन थे उसके जस्ट बाद वन ट्वेंटी टू है क्योंकि बैठ के ना सभी का वन पेजर बनाया एक सेपरेशन ऑफ पावर फेडरलिज्म का एक क्वेश्चन पक्का है

तो क्या ना आठ क्वेश्चन में फिर हम बैठ के थोड़ा टाइम मिल जाता है कि कुछ-कुछ सोच के लिख सकते हैं लास्ट में जीएस2 का यही है कोई और डाउट सुन तो लिया ना नोट्स खुद के बनाने यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स एनी अदर डाउट इकोनॉमी 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 का पहले मतलब अभी जैसे कि लास्ट टाइम भी मेरे को रिजल्ट के चार पांच दिन ही मिले थे तो किसी इंस्टीट्यूट के या किसी का करके ना पहले तो मृान सर वाला पी वाई क्यू वाला एक वो बुकलेट है उसमें से उठा के देखो कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं मतलब एक वो मनी मल्टीप्लायर करके क्वेश्चन है वो चार बार आ गया मतलब और जिसने नहीं देखा होगा उसको तो इतना नया लगेगा कि सोचेगा जिसने देख रखा वो हर बार दे देते हैं ऐसा लगेगा क्वेश्चन तो इकोनॉमी स्पेसिफिक में तो कोई इंस्टीट्यूट का उठा के एक फाइव करके बुकलेट थी मतलब सुना होगा हाँ जो जिन्होंने कर रखा है वो मैंने कवर किया था उसमें क्या है कि सारे मतलब जितने भी बैंकिंग का है हर चीज़ उन्होंने कवर करा दी थी पाँच दिनों की रिविजन में ना सब वो कवर हो गया था लास्ट टाइम मैं तो यही बताऊँगा क्योंकि अगर एक साल तुम्हारा होता ना आगे का तब थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी होती अब प्रिलिम्स का इतने दिन है ना तो ऐसा ऐसा कोई बुकलेट साढ़े पाँच सौ क्वेश्चन एक ना उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस करके अलग सेक्शन है मतलब सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन प्रिलिम में उसी के आते हैं तो उसको थोड़ा अलग स्पेसिफिक ज़्यादा कर लेना मतलब बैंकिंग वाला एक एक है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक आई इनके भी पूछ लेते हैं इनके मेंबर क्या है किसको कितना लोन देते हैं इनकी कैपिटल कितनी है तो ये स्पेसिफिक ये कर लेना मेंस के लिए अलग है इसका मेंस का सेम उसमें वो है कि ए, वन पेजरी बनानी है जैसे कि यूपीएससी का बढ़िया चीज़ है ना सबसे पहले ना बैठ के सिलेबस रटना जब भी चार पाँच दिन मिले ना मैं बैठ के पूरा सिलेबस याद था मेरे अगर कोई क्वेश्चन मतलब डाउटफुल पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे तो बस एक बार थोड़ा मेमोराइज करो सिलेबस में क्या क्या चीज लिखी हुई है एक दो पॉइंट तो लिख ही दोगे तुम सोसाइटी का सोचो सबसे पहले किसका हिस्ट्री है देन वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया देन पोस्ट इंडिपेंडेंस देन सोसाइटी तो इतने पॉइंट दिमाग में आएंगे तुम लिख दोगे कुछ कुछ छह सात पॉइंट तो ऐसे के तो सिलेबस की एक एक लाइन रटी होनी चाहिए कि जी की थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है सिलेबस ये कर लेना हाँ बताओ मेन्स आपको तो। <laughs> थी ना तब खुद के नोट्स ज्यादा बनाए नहीं थे मैंने तो पहले अटैम्प्ट में मार्क्स नहीं आए मतलब मेंस में में ऐसा था कि अब बैठ के वन पेजर नोट्स बनाते हैं तो उस टाइम सभी सब्जेक्ट के अगर रोज के दस एक घंटे बैठ के करोगे ना तो डेढ़ दो महीने में हो जाता है ये कि अपने क्या टॉपिक पता है गूगल करो दो तीन सोर्स से मतलब अच्छे ट्रिवियल पॉइंट नहीं लिखने हैं ट्राई करो कि मतलब पेपर में ट्रिवियल पॉइंट नहीं लिखे आएंगे अपने क्योंकि अगर जैसे एग्जामिनर को ट्रिवियल पॉइंट दिखता है ना वो दो तीन नंबर चेप देगा आपको बस दो बस जाओ सेम इंटरव्यू में भी मैंने यही देखा चीज़ें कि ट्रिवियल पॉइंट मत लिखना जब नोट्स बनाओ ना तो इतने स्पेसिफिक बनाओ कि उसमें डाटा डालो फैक्ट डालो कि कुछ मतलब ऑथेंटिसिटी लगे कि कोई पॉइंट लिख के आए तो यही था और सम अदर क्वेश्चन हिस्ट्री में ईचेंट जैसे अपन यहां करते हैं ना बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं मैंने एक बुकलेट बुक फॉलो की थी लुसेंट करके वो एसएससी वाले करते हैं वैसे तो मतलब वो करके पर तुम देखोगे ना कोई भी मुश्किल क्वेश्चन है ना वो लुसेंट में मिल जाएगा हां 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 मिलता है उसमें जैसे पिछले साल फनम आया था एक क्वेश्चन उसमें सब लिखा हुआ है उससे पहले ऐसे से चोल कंदोरा ऐसा घंटा साला ये सब देर का उसमें वो कहीं नहीं मिला मेरे को उसमें सब दिया हुआ था हाँ। याद नहीं होती याद नहीं होती हाथ लगा लगा के याद करो करके <laughs> पूरा ना अगर बोल रहे हो कहीं बैठे हो तो हाथ लगा के रट लिया करो पूरा मतलब रटना तो पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री अब क्या उसमें कांसेप्ट बनाओ <laughs> मत सच सही बताऊं ना पूरा

हो गई अब दूसरा कर तो लेते हैं कि वो पूरा सेक्शन करना अपने आप ही सात घंटे पड़ जाओगे इस बाने ये ट्रिक काफी अच्छी है रोज का लिख लिया करो चार पांच चीजें मैं तो पहले दिन लिख लिया करता रात को लिख लिया कि अगले दिन ये तो उससे उठते ही जल्दी जल्दी कि हाँ ये चीज करनी है दूसरी पंद्रह मिनट बीस मिनट गए दिमाग में रहता है कि यार ये चार चीजें रही हुई है अभी तो ये ट्रिक थोड़ा करके देखो कल से मतलब सब चीजें और अबाउट एथिक्स एथिक्स में एथिक्स में थोड़ा ना एक पेपर अटैम्प्ट करने का भी थोड़ा तरीका होता है उसमें पहले ना कि के स्टडी लोग पहले करते हैं मतलब वो वो ज़्यादा टाइम वगैरह ले लेती है सो so, पहले वो टेन पेजर वो जो शुरू टेन मार्कर होते हैं ना वो जल्दी जल्दी करो क्योंकि सारे लोग के स्टडी फोकस कर रहे हैं बीस बीस मार्क्स की लग रही है पर टेन पेजर में फिर लास्ट में होता है इतना भागते हैं ना उसमें एग्जाम्पल लिख पाते हैं हम तो शुरू में टेन मार्कर का अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ढूंढ के ना एक लिस्ट बना लो हर चीज की सेम मैं हर बात चीजों बताऊंगा ना लास्ट में सिलेबस पे लेके आऊंगा सिलेबस में जो जो लिखा हुआ ना एथिकल गवर्नेंस है या सिटीजन चार्टर है तो ऐसे ऐसे नोट्स बना लो टू पेजर सिटीजन चार्टर कौन सी कंट्री का अच्छा था कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जो भी लिखो उसके ब्रैकेट में एक एग्जाम्पल लिख दो अगर नंबर बढ़ाने हैं तो वही बात है ट्रीवियल चीजें नहीं लिखनी एक लाइन लिखी उसके ब्रैकेट में कुछ भी एग्जाम्पल लिख दिया कोई एडमिनिस्ट्रेटर का लिख दिया हर चीज में कोई गवर्नमेंट की स्कीम का अच्छा लिख दिया या एग्जाम्पल ढूंढो किसी को पद्मश्री मिला हुआ है ऐसी चीज़ें दिमाग में रखो कि एग्जाम्पल ढूंढ के लिस्ट बनानी है अब पद्मश्री कितनों को पता होगा कि अच्छे काम के लिए पद्मश्री किसको ये मिला था कोई एक फॉरेस्ट्री का भी था सालू मरडा दिमाका करके सुना होगा तो ऐसे ऐसे वर्ड लिखेगा उन्होंने लगा कि थोड़ी मेहनत करके आया है मतलब वो मार्क्स मिल जाते हैं वहाँ पे और सिलेबस का वरना शुरू में तो टॉपिक वाइज ही करो जो जो मेंशन है ना उनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो एक महीने का लगेगा शुरू में एक महीना तो, तो। था। था का ना मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक एक तो इन्वायरमेंट और एक मैपिंग था इसमें थोड़ा रिलेटेबल लगती है चीजें और दूसरी सो में से ना बीस क्वेश्चन जिस चीज के आ रहे हैं तो उसको वर्थ होता है कि उसको अच्छे से करना तो सब लोग क्या ऐसा बोल देते हैं कि मैंने एनवायरमेंट का बस यही किया था कि मतलब सिर्फ शंकर पढ़ी थी मत कह रहा हूं सब पढ़ो उसमें पीएमएफ पढ़ लोग टाइम है तो शंकर भी पढ़ लोग खुद के नोट्स थोड़ा आवाज बढ़ाइए ये अरविंद थोड़ा आवाज थोड़ा बोलो क्या रे शंकर आईएएस के बाद पीएमएफ आईएएस भी देखो ठीक है

एग्जाम से पहले वो फिर मतलब मैंने एक सोर्स में बना लिया था लास्ट में शुरू में एक uh, सर थे ऋषिकेश दुद्दत्त सर वो मैंने उनके नोट से किया था वो बहुत अच्छा बेसिक उन्होंने करवाया था वो सब चीज़ें मतलब एक बार फॉलो कर सकते हो अगर आपको वो भी अच्छा लगे पूरा बेसिक उन्होंने तीन साल पहले जो चीज़ कराई थी ना एक पैराबीन करके वो पूरा पोलूटेंट वगैरह वो इस साल भी पेपर में आए हुए चीज़ें

क्योंकि जिस चीजें बीस क्वेश्चन आ रहे उसमें हैं उसमें मल्टीपल सोर्स फॉलो कर सकते हो आप और कुछ डाउट हो किसी के? टी -सेट का टी सेट में अगर ना जैसे कि हर बार मेरा मैथ ऑप्शनल है तो मेरे को ज्यादा <laughs> 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 तो आम नोट ए गुड पर्सन टू मतलब सर बता दें से से सेट का बट उसमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए मेरा मैथ था बट इस बार क्या हुआ हर बार मैं करता था पचास क्वेश्चन या अड़तालीस उनचास क्वेश्चन दो गलत हो गए या तीन गलत हो जाते थे पूरे पेपर में तो मेरा बहुत हाई कॉन्फिडेंस था इस बार क्या गया मैथ शुरू किए मतलब एक घंटे में बारह क्वेश्चन हुए मतलब दिमाग में ऐसा हो मैं एक घंटा पढ़ा है और उसमें इतने सारे क्वेश्चन करने हैं अब तो थोड़ा एकदम दिमाग में ये हो गया तो जो चीज नहीं हो रही है ना उससे तुरंत छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चले जाओ एक स्ट्रेटी ये बता रहा हूँ मेरा मैथ में ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस था तो वो इतना टाइम भी खराब कर गया मेरा उसमें एक दो क्वेश्चन तो पाँच पाँच छः छः मिनट दे रहा हूँ और लास्ट में आंसर नहीं आ रहा हर साल क्या होता था तो मैं एक क्वेश्चन में तीन मिनट देता था पर मुझे लगता था कि इसका आंसर आएगा पक्का चाहे तीन मिनट दे रहा हूँ ना तो मैं करेक्ट करूँ अड़तालीस मिनट दो क्वेश्चन गलत होते थे इस बार वो बैकफायर किया फिर लास्ट में भागा मैं इंग्लिश की तरफ मैं जल्दी जल्दी इंग्लिश वाले कर लेते हैं अगर मैथ नहीं हो रहा तो इंग्लिश इस बार ईजी था कॉम्प्रिहेंशन ईजी थे मैथ की बजाय तो ट्रिक यही है कि नहीं आता तो छोड़ के अगले पे चले जाओ जल्दी से अन्य डेढ़ मिनट दो मिनट इतना ही दो ए क्वेश्चन को हां 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 मैथ का बाद में कर लेंगे अगर ऑप्शनल ऑप्शनल का बाद में पूछ लेना आप ना मैथ का स्पेशल जी अब जैसे कि ना जब प्रीलिम्स दूर था ना तब तो दो सब्जेक्ट करता था और जब प्रीलिम्स के दो महीने रह गए ना तब मेरा ऐसा था कि हर सब्जेक्ट को रोज टाइम देना है दो दो घंटे मतलब एक स्पेसिफिक एक कर लिया ना फिर एक की रिविजन छूट जाती है तो मेरा दो दो घंटे का हिसाब होता था दो घंटे इकोनॉमी दो घंटे पॉलिटी दो घंटे हर चीज दो दो घंटे हर सब्जेक्ट रोज पढ़ना है प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट एक, एक मंथ पहले अगर उस टाइम दो, दो सब्जेक्ट कर सकते हो आप एक मत किया करो एक में बहुत मोनोटोनस हो जाता है मतलब सिंपल एक को पढ़ रहे हो मतलब बोर भी हो जाते हैं उसके अंदर दो सब्जेक्ट चला लो जब थोड़ा टाइम है आपके पास सात आठ मंथ रहे हैं और लास्ट में जाए तो रोज का रोज सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट रोज पढ़ना है या एटलीस्ट चार से पांच चार सब्जेक्ट तो रोज पढ़ने हैं तो, दो दो घंटे वो फिर अगले अटेम्प्ट की सोच सकते हैं ना एक अभी हम लोग अभी इसी बार देने वाले हो ना सारे या नेक्स्ट टाइम के एक भी ये बारे। इसी बार है इंग्लिश प्लीज इंग्लिश थोड़ा हाथ होता है? है।, <laughs> है कि एक डायरी मेंटेन करो सारे कोई ना चलेगा जो जैसे कि ना किसी को बताओ नेक्स्ट टाइम या खुद भी करो ना एक डायरी रखा करो इसी ईयर का कि हर रोज एक डायरी में क्या करना है अपने को हर चीज के ना एक मतलब पांच बार रिवीजन करनी है है हो जाएगा वो सिंपल सा तरीका है। तो जैसे आज जो भी कोचिंग से करके गए ना उसको जाते ही एक बार पढ़ लिया पंद्रह बीस मिनट ठीक है तो पहली रिवीजन तो आज हो जाएगी अब एक रिवीजन सेकंड जो करनी है ना सेकंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं दूसरे दिन मतलब तो दूसरे दिन इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और इस दिन हुआ ना उसकी सिंपल एक रीजन कर रहे हो फिर ये जो शॉर्ट नोट्स बने ना इसको डे 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 रिवाइज कर 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 लेना 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 एक बार फिर कर लेना और फिर और ये शुरू में लक्ष्य सिंगल सर थे उस टाइम तो उन्होंने क्लास में बताई थी ये चीज मेरे बहुत काम की थी मैंने सात आठ मंथ इसको पूरा रिलीजियसली फॉलो किया था और ये तब होता है जब एक डायरी मेंटेन हो आपकी कि आप एक डायरी मेंटेन करो आज की डेट में ये लिख लो आज की डेट में ये लिख दो कि सेकंड डे मुझे क्या करना है आज की डेट में ये लिख दो अगर ये नहीं करोगे तो ध्यान नहीं रहेगा कि तो किसी पहले होगी, किसी की सेकेंड होगी थर्ड एक साइकिल और एक मंथ में ना इतना मतलब रट जाएगी चीजें कि जब एग्जाम आएगा ना सीधा एक पेज याद आ जाएगा की वो सीधा वही लिखना है ये एक पैटर्न सात सा है मतलब ये तभी होगा एक डायरी से और किसी को

वहां मैं करता था एक मॉक कर लिया एक कॉपी बना रखी थी मैंने तो उसमें हर पेपर में से पंद्रह क्वेश्चन निकालता था मैं मैं कि जो मुश्किल लगे ना उसमें है तो तो आधे मैंने नोटबुक का का आधा करंट क्वेश्चन हर टेस्ट में निकाल के मैं अपनी कॉपी में लिखता था और लास्ट में मेरे पास ना नौ सौ हजार क्वेश्चन हो गए थे ऐसे कि दोबारा लास्ट में रिविजन नहीं हो पाती मतलब सौ टेस्टों के नहीं कर पाओगे पर हजार क्वेश्चन तो पढ़ लोगे फटाफट या उनका मैं पूरा डिटेल लिख लेता था कि पूरा इसमें बुक में से ढूंढ के तो वो रिवीजन कर लेता था और जब दो तीन मंथ रहे ना तो उस टाइम ये होता था कि रिवीजन नहीं हो पाती उस टाइम मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ तो उस टाइम सिर्फ करने की ट्राई करो और जो क्वेश्चन कर लिया गलत हो गया सही हो गया ना उसका भी आंसर देख लो एक बार कई बार क्या होता है मतलब पांच छह मौक करने के बाद अपने को क्वेश्चन सेम मिलता है अपने को याद होता है कि क्वेश्चन सेम है पर आंसर नहीं पता उसका कि किया था तो एटलीस्ट आंसर देख लिया करो सौ के सौ क्वेश्चन के आंसर देख लो अभी ये फॉलो कर लो इस प्रीलिम्स के लिए तो इस टाइम के लिए कि करो और सभी का आंसर चेक कर लो एक बार मतलब ज़्यादा डिटेल भी सर्च मत करो उसकी चाहे पर आंसर पता होना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट में था तो उस टाइम भी मैंने एट्टी कर लिए थे मोव पर इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिला था तो दस बारह ही मोक हो पाए थे बट अगर वन फिफ्टी मोव शुरू में किया था ना तब तो ऐसा हो गया था कि अब प्रिलिम्स ले लो जल्दी से क्योंकि लास्ट में जब मार्क्स स्टेबलाइज हो जाते हैं मेरे एक सौ उतने हो गए थे वन भी चले जाते थे पर स्टेबलाइजेशन एक सौ एक सौ में हो जाता है फिर की इतना पढ़ लिया इतना रिपीट हो रहा क्वेश्चन में जल्दी प्रीलिम्स ले लो अब तो हो जाएगा इतना अजी पे पे पीवाई क्यू तो हाँ, सबसे पहले पीवाई क्यू किए थे मैंने मुरनाल ईयर है ना उसको लेके बैठो और उसमें क्या ना सेक्शन वाइज दिए वो अच्छी बात है जैसे फटाफट जल्दी मॉडर्न रिवाइज करो और उसमें एक सौ बीस एक क्वेश्चन है मॉडर्न की ठीक है उन सो एक सौ बीस लगा दो

हाँ जी लाउडर डर लगता है किससे मौक देने से डर लगता है फिर मौक में नंबर कम आ गए मैं पेपर का बताता हूँ मैंने मतलब काफ़ी पेपर दिया थे सी का भी हो गया था सीएपीएफ का भी हो गया था ई हो गए थे तो जो भी यूपीएससी पी साइट पर पेपर आता था ना मैं उसको निकाल के सोल्व कर लेता था अभी जियो साइंटिस्ट का आया था तो आपके लिए आगे वो कर लो सोल्व सी डी एस का आया हुआ है हाँ तो वो वेट किया करो जो भी पेपर है ना उसको निकाल के सोल्व करो और रिलीजियसली करो कि अपने सारे क्वेश्चन करो किसी इंस्टीट्यूट ने अपना बना के डाल रखा हुआ है उसका आंसर तो उसका आंसर मिलाओ फिर इवन कोई स्टेट पी का भी हो ना यूके का है आंध्रा का है उनके पेपर क्या जीएस का तो अपने कंटेंट मिल ही रहा है ना तो वो कर सकते हैं अपन और किया करो करोगे सारी चीजें ऐसे का ऐसे का जो मैंने फॉलो किया था वो एक विक्रम, विक्रम ग्रेवाल सर है हाँ ब्लॉग पोस्ट उनके ऐसे मैंने लिखने का तरीका देखा था कि कैसे कि मतलब उनका एक ना ये क्या करो पहले टॉपिक जो भी आएगा ऐसे का पूछ रहे हो ना विक्रम, विक्रम ग्रेवाल सर है उनका ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग पोस्ट है वो आप सर्च करें उन्होंने अपने ऐसे भी डाल रखे हैं सारे तो एक तरीका मैं बताता हूँ उसमें जो भी टॉपिक आया उसमें उसको पांच एक मिनट तो सोचो आराम से कि और जो भी लिखना ना उसमें ट्रिबुल नहीं लिखना उनके ऐसे पढ़ोगे तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल हिट किया है पॉइंट पे हिस्ट्री का ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ उस टॉपिक को हिट करे क्योंकि जो भी उसको पढ़ेगा ना उसको ये लगेगा कि बिल्कुल रिलेवेंट लिखी है चीजें मतलब राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है या राइटिंग थोड़ा ग्रामर का भी हो गया बट कंटेंट जो लिख रहे हो ना अगर ट्रिविल कई बार क्या होता है कंटेंट नहीं आ रहा तो तो हम कुछ भी लिखाते हैं थोड़ा लिख दिया दिया ये कर दिया, तो वो नहीं करना है वेट करो तीन चार चीजें लिखनी है जैसे कुछ में हिस्टोरिकल लिखना है तीन चार चीजें यहां पर लिखेंगे एक ही तो वो करो जो मोस्ट उसको हिट करे तुम एक बार पढ़ के देखना सर के विक्रम ग्रेवाल सर के मैंने वो सेम वो ही अप्लाई किया था चीजों का ओके

so here you put your hard work there is no shortcut for your success okay so once again we are thankful to thank you give me just two minutes okay thank you everyone